विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सीएम पद छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि अभी पार्टी का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस से अलग पार्टी बनाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल पुराना कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिखाया। कैप्टन ने बताया कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में काफी काम किया गया है। दावा किया गया है कि मैनिफेस्टो का 92% काम पूरा किया गया है। वहीं कुछ काम ऐसे थे जो पूरे नहीं हो सकते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आपको लगता है कि मैंने पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ सारे पेपर हैं कि हमने अपनी सरकार में क्या किया है। ये मेरा मैनिफेस्टो है और मैंने क्या किया है इसकी भी बुकलेट है। हमने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था और क्या किया है उसको एक बुकलेट में रखा है। हमने मैनिफेस्टो के 92% वादों को पूरा किया है। कुछ 10 चीजें ऐसी थी जो वैट से संबंधित थी, उनको पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि हमने बहुत काम किया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमने इंडस्ट्री के लिए भी पूरा काम किया है। मैं कहते हुए खुश हूँ कि 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जो लोग मेरा मखौल उठाते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग सैनिक के तौर पर हुई है और उसके अलावा 9.5 साल पंजाब का गृह मंत्री रहा हूँ। उस समय की समस्याओं को हमने फेस किया है। जो 1 महीने का गृह मंत्री बना है वो कह रहा है कि पंजाब को मुझसे ज्यादा जानता है। कोई नहीं चाहता है कि पंजाब में समस्या हो, पर मैंने 1947 के बाद से पूरा पंजाब देखा है। 1984 हो, पठानकोट हो, सारे हमने देखे हैं। सुरक्षा की नजर से पंजाब संवेदनशील है। सीएम रहने के दौरान अमरिंदर पर जो सवाल उठे उन्होंने उस पर भी जवाब दिया है। 18 पॉइंट प्रोग्राम पर उन्होंने कहा कि हमने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर बता दिया था कि क्या काम किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।